एक जलाशय में तीन मछलियां रहा करती थीं, अना, प्रत्यु और यदा। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से अलग अलग थे। अना संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी, तो वहीं प्रत्यु की सोच थी कि संकट के आने पर उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही आ जाता है। यदा किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिए जाएं, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस तालाब में रहती थीं वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। यह देखकर मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई न कोई तालाब जरूर है। वे झाड़ियों के पार जाकर तालाब के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है, यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। तभी दूसरा मछुआरा बोलता है, सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिर आई है, कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा और उसकी बात औरों ने मान लिया। उसके बाद मछुआरों की वहाँ से वो लोग चले गए। मछुआरे की सारी बातें अना ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्यु और यदा के पास पहुँची और बोली, बहन, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया, हमें जल्दी से जल्दी यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलोगे? अना की बात सुनकर प्रत्यु बोली, अभी खतरा आया नहीं है बहन, हो सकता है वो आए ही नहीं, जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं तालाब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछलियों को मारने वाले मछुआरे को कोई और तालाब मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा ही ना करें, वे आ भी गए तो ये भी हो सकता है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। उसके बाद यदा बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है, मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही, मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। अना ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। प्रत्यु और यदा तालाब में ही रुकी रहीं। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और तालाब में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्यु अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक ऊदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह तुरंत उस लाश में घुस गई और उसमें सन के बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद मछुआरे के जाल में वो फंस गई। मछुआरे ने जैसे ही जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर पलट दिया, तब प्रत्यु ने मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही ताकि मछुआरे इसको मरा हुआ समझें। उसमें कोई हलचल ना देखकर मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये शायद कई दिनों पहले ही मर चुकी हो और
उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्यु तैर कर तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग करके वह बच गई। वहीं दूसरी ओर मछुआरे ने जाल फिर से फेंका और इसमें यदा भी फंस गई। यदा किस्मत के भरोसे बैठी थी, वह कुछ किए बिना ही अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। धन्यवाद।